अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा तालिबात, नाइन्थ क्लास मराठी कंपोजिट संतवानी, इसके प्रश्नोत्तर क्वेश्चन आंसर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बहु हा दयाड़ु। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। बहु हा दयाड़ु। आकृति बंध पूर्ण करा। संत चौक मेड़ा यानी परमेश्वरासाठी वापर लेली विशेषणे, यानी संत चौक मेड़ा ने परमेश्वर के लिए, खुदा के लिए इस्तेमाल किए गए जो सिफतें हैं उसे बयान करना है। संत चौकमेड़ा यानी परमेश्वरासाठी वापर लेली विशेषणे, पहली दयाड़ु, दूसरी कनवाड़ू। चौकटी पूर्ण करा। परमेश्वर जानतो, परमेश्वर पाहत नहीं, भक्त परमेश्वराच्या पायावर घालतात, परमेश्वर भाविकांना देतो। पहले का उत्तर है लड़ा, दूसरे का पाहत नहीं जात वित पागोत पाहत नहीं, तीसरा मिठी, यानि चौथा भुक्ति मुक्ति। परिणाम लिहा। घटना आणि परिणाम, देवाचे दर्शन घेणे त्याचा परिणाम, भक्ताचे भक्ति करणे आणि त्याचा परिणाम। स्वामत्चे प्रश्न आहे दोन आणि त्याचे उत्तर आपण पाहणार आहोत। परमेश्वर भेदभाव करत नाही हा विचार अभंगाच्या आधारे पटवून द्या। दूसरा, परमेश्वराबद्दलचा संत चौक मेळा यांचा उत्कट भक्तिभाव तुमच्या शब्दात लिहा। परिणाम, कष्ट आणि दुःख दूर झाले। दूसरा, भक्तांना भोग वस्तू मिळाल्या व मुक्ती मिळाली। पहले का उत्तर है, ये जो हमने स्वामत है उसका पहले का उत्तर है। परमेश्वर हा दयाळू आहे, तसेच तो खूप कनवाडू ही आहे। तो कधीही मनुष्याची जात पात व धर्म पाहत नाही। जो त्याची भक्ती मनोभावे करतो तो त्याच्यावर आपली कृपा दृष्टी टाकतो, त्याचे लाड पुरवीत असतो, आपल्या भक्तांची न मागता मनोकामना पूर्ण करतो, त्याचा जवळ स्वर्ण सवर्ण दलित क्षत्रिय अशा कोणताच भेदभाव करीत नाही। हे स्वर्ण को सवर्ण कर लीजिए, भेदभाव को ये भदे भाव हो गया, ऐसे भी भेदभाव इसे दुरुस्त कर लीजिए। कारण सर्व परमेश्वरांची लेकरे आहेत, जसे आई आपल्या मुलांमध्ये भेदभाव करीत नाही तसेच परमेश्वर ही आपल्या भक्तांमध्ये भेदभाव करीत नाही। यानी जो परमेश्वर है, खुदा है, वो बहुत ही रहमान है, रहीम है, रहम वाला है, और वो दुख दर्द को दूर करता है। इंसान की जात पात धर्म देखता नहीं, मज़हब नहीं देखता। जो उसकी अकीदत करता है, इबादत करता है, वो उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखता है, रहमत बरसाता है, और उसको उसके लाड़ करता है, उसकी मनोकामना पूरी करता है। उसके सामने, उसके नज़दीक कोई भी दलित क्षत्रिय सवर्ण वो सब में कोई भेदभाव नहीं करता, सबको एक जैसा देखता है। जैसा माँ अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती, वैसे ही परमेश्वर खुदा अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करता। संत चौक मेड़ा हे महार समाजाचे होते, त्यांचा नसा नसात परमेश्वर वसलेले होते, सदैव देवाचे स्मरण ते करीत होते। त्यांच्या अभंगातून त्यांनी परमेश्वरांचे दर्शन घडवून दिले। परमेश्वर हा खूप दयाळू आहे, तो आपल्या भाविकावर आईप्रमाणे प्रेम करत असतो, आपल्या भाविकावर त्याची नेहमी कृपादृष्टी असते असे ते म्हणतात। आपल्या अभंगातून सामाजिक विषमतेवरही ताशेरे ओढले, देवाच्या दर्शनाने आपले कष्ट दुःख व दरिद्रे दूर होते अशी त्यांची पक्की धारणा होती। संत चौक मेळा यांच्या अभंगातून त्यांच्या उत्कट भक्तिभावाचे दर्शन झाल्याशिवाय राहत नाही। संत चौक मेळा ये महार समाज के थे और उनके नस नस में खुदा परमेश्वर बैठा हुआ था। वो हमेशा खुदा का स्मरण करते, याद करते और अपने अभंग से वो खुदा का दीदार करते, दर्शन करते। परमेश्वर बहुत दयालु यानी रहमदिल है ये बताते, वो अपने भाविक पर, अपने अकीदतमंदों पर माँ की तरह प्रेम करता है ये बताते हैं। उसी तरह वो भाविक और त्यांची नेहमी कृपा दृष्टि असते, यानी खुदा की हमेशा उसको जो मानने वाले हैं, अकीदत करने वाले हैं, उन पर रहमत बरसती है, ऐसा वो कहते हैं।
आपल्या अभंगातून सामाजिक विषमतेवर ही उताशेरे ओढले, यानी उन्होंने अपने अभंग से जो सामाजिक भेदभाव है उस पर भी निशाना लगाया है। देवाच्या दर्शनाने आपले कष्ट दुख व दरिद्र दूर होते, खुदा को पाने से हमारी तकलीफ दुख दर्द और गरीबी दूर होती है, अशी त्यांची पक्की धारणा होती, ऐसा उनका सोचना था। संत चोक मेळा यांच्या अभंगातून त्यांच्या उत्कट भक्तिभावाचे दर्शन झाल्याशिवाय राहत नाही, और संत चोक मेळा की अभंग से उनकी अकीदत का इजहार होता है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।